हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हैप्पी रिपब्लिक डे। आज अपने ऑफिस में रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन हो रहा है। दिखा रहा हूँ आपको आगे कैसे कैसे रेडी तैयारी कर रहे हैं उसको। ठीक है गाइस, देखिए ठंडा लग रहा है। ठंडा लगी इसमें छिपा देना, इधर हम छिपा देंगे, यहाँ बीचों बीच छिपा, इधर आ जाएगा। नहीं कुल मिला के मामला होता है कि हम लोग भी जो इस देश के निवासी हैं, इस समाज के रहते हैं, तो हमें भी अपना दायित्व को पूर्णतः निर्वहन करना चाहिए। दायित्व मतलब जो संविधान की बात हो रही है, तो संविधान में हर चीज़ सिस्टम बने हुए हैं कि आपका मौलिक अधिकार क्या है, आप आपको कैसे रहना है जी, कैसे बोलना है जी, कोई गलत बोलेगा तब भी गलत है, या आप किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करोगे तब भी गलत है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसके अनुकूल आदमी को रहना चाहिए, समाज के प्रति अपने दायित्व को निर्वहन करना चाहिए। साथ ही साथ जहां हम काम करते हैं, आप काम कर रहे हैं, ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे तो सफल होएंगे। ईमानदारी से जो काम नहीं करेगा वो सफल नहीं होता है। तो ईमानदारी का तात्पर्य ये होता है कि आप हर जगह ईमानदार रहिए, अपने समाज के प्रति ईमानदार रहिए, देश के प्रति ईमानदार रहिए, संस्था के प्रति ईमानदार रहिए, और अपने परिवार में भी ईमानदार रहिए। परिवार का मतलब होता है हम चार भाई हैं, दो भाई हैं, तो कोई इससे खड़ा करता है, उससे करता है, तो आदमी को एकदम साफ सुथरा अपनी ज़िंदगी जीना चाहिए। और अंत में पुनः मैं आप सबों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और हर वर्ष की भांति जैसा कि हम लोग थोड़ा सा जलपान निष्ठान करते हैं, तो आपसे अनुरोध है कि कार्यक्रम समाप्त करने के बाद आप लोग कुछ नाश्ता भोजन करते हुए धन्यवाद। जी पंद्रह दाम 150 जलपान कार्यक्रम हो गया। ठीक है गाइस, हैप्पी रिपब्लिक डे वंस अगेन। अभी बंद होने वाला है ऑफिस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।